नमस्कार, राम रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे लाल मिर्च का अचार। तो इसके लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम लाल मिर्च ली है और उसके साथ जो सामग्री चाहिए वो है ये 2 टेबलस्पून राई, 1.5 टेबलस्पून हल्दी, 3 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून दाना मेथी और 1 टेबलस्पून धनिया, 1 बाउल सरसों का तेल और 1 छोटा चम्मच हींग पाउडर। हम इन मिर्चों को पहले अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद हमने इन्हें सुखा लिया है और कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लिया है, जिससे इसमें पानी या नमी बिल्कुल भी नहीं रहे। अब हम इन्हें काटेंगे। मैं इन लाल मिर्चों का अचार काट करके डाल रही हूँ, ये भरवा नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस होते हैं तो खाने में सबको बड़ी आसानी होती है और वेस्टेज भी कम होता है। इसलिए इस प्रकार से हम सारी लाल मिर्चों को गोल गोल छल्लों की तरह से काट लेंगे। खड़े मसाले जो लिए हैं उनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। धनिया, दाना मेथी, सौंफ और राई। अब इनको हल्का सा हम रोस्ट करके और मिक्सर जार में दरदरा पीस लेंगे। अब ये हमारी सब मिर्च कटकर तैयार हो गई हैं और जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था वो भी दरदरा हमने पीस लिया है। अब हम इसे बनाने के लिए इन मिर्च के ऊपर ये मसाला डालेंगे। हींग पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। सरसों का तेल मैंने गरम करके और उसे थोड़ा ठंडा कर लिया है। ये बहुत अधिक गरम नहीं और एकदम ठंडा भी नहीं है, तो इसमें अब हम ये तेल भी मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरह से सब मसालों को इस तेल के साथ में मिक्स कर लेंगे। अब ये सभी मसाले और तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। इसमें आप चाहें तो अमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। राई से ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और खट्टी हो जाती है। अब ये अचार हम एक कांच की जार में भर देंगे और उसे एयर टाइट करके दो दिन रख देंगे, तो फिर ये अचार बिल्कुल बंद करके तैयार हो जाएगा और आप चाहें तो इसे साल भर भी रख सकते हैं। अब ये अचार हमने एक जार में भर लिया है, अब ये 2 दिन बाद बिल्कुल तैयार हो जाएगा और हम इसे खा सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।